मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हम लेके आए हैं एचपी का G6 1000 मॉडल होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है जब हम इसको ऑन करते हैं, चार्जिंग की लाइट जल रही है पर हमारी मशीन जब हम ऑन करते हैं तो ऑन नहीं हो पा रही है। ऑन हो भी जाती है कभी कभी, जब हम 10-15 बार इसको प्रेस करते हैं तो कभी कभी ऑन भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम किस चीज से होती है, इसमें एएमडी का जो चिप लगी होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसमें इन मॉडल में, ये पुराना मॉडल है, एएमडी चिप के साथ होता है, इसमें एएमडी का ग्राफिक होता है तो मोस्टली उसी की चिप की वजह से प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम आती क्यों है हम आपको बताते हैं। जब हम लैपटॉप को ज्यादा यूज करते हैं बेड पे रख के, या हमारी फैन की और हीटिंग के बीच में धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तभी भी हम उसको यूज करते रहते हैं, तो ये हीटिंग के इशू की वजह से मोस्टली प्रॉब्लम आती है हमारे लैपटॉप में। जब आप लैपटॉप को यूज करें तो आप ध्यान रखें कि आपका लैपटॉप हीट ना हो ज्यादा, उसको कूलिंग उतनी मिलनी चाहिए कि नॉर्मल कूलिंग पे जब मिलती है 18 से 20% का आपका टेम्परेचर होता है तो मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती है। मशीन में प्रॉब्लम तभी आती है जब वो ज्यादा हीट होने लगती है। जब वो हीट कब होती है, हीट जब होती है या तो आप उसको बेड वगैरह पे रख के यूज करते हैं या उसकी आप सर्विस नहीं कराते टाइम टाइम पे। तो आपसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए अपने लैपटॉप की सर्विस कराएं। सूरज कंप्यूटर्स बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में आजकल लैपटॉप की सर्विस और आपका चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। सूरज कंप्यूटर्स पर आप आके अपना लैपटॉप दिखा सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद।